हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे तेज एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। तो तेज एप्लीकेशन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे बैंक से लिंक करते हैं, वो चीज़ मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें जस्ट मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि तेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप किस तरह से उसे लिंक कर सकते हो और इनिशियली 51 रुपीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको लिंक से ही डाउनलोड करना है, बिकॉज आपको अगर आप किसी ना किसी के लिंक से डाउनलोड करोगे तो ही आपको इनिशियली जो है वो बेनिफिट 51 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको इनिशियली 51 रुपीज़ का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो इंस्टॉल होने के बाद, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इंग्लिश सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो एंटर करना है। आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक से लिंक हो और वो करंट मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में भी प्रेजेंट हो। मतलब आपका सिम जो है वो आपके एक मोबाइल के किसी भी स्लॉट में जो है वो होना चाहिए और सेम मोबाइल नंबर आपके बैंक से ही लिंक होना चाहिए। एक वो बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपका डेबिट कार्ड जो है वो सेम मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो आपको सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, तो वो एक बात है वो ध्यान में रखना। और साथ ही साथ आपका जो सिम कार्ड है उसमें एटलीस्ट 1 रुपये का तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल से है डायरेक्टली मैसेज चला जाता है आपके बैंक को, तो एटलीस्ट 1 रुपये तो यहाँ पे आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल एंटर करना है, मोबाइल नंबर तो मैं मेरा वाला एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आप आइकॉन देख सकते हो नेक्स्ट वाला, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको जस्ट अलाउ कर देना जितनी भी परमिशंस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, तो वो चेक कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओटीपी आपका आ जाएगा और एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पिन क्रिएट करना है। तो आप यूजुअली क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल का जो पैटर्न है वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 4 डिजिट का गूगल पिन क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा जो पैटर्न है वो ही मैं यूज़ करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद अभी जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पैसा नहीं आएगा अकाउंट क्रिएट होने के बाद, आपको जो है वो अपने बैंक से अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, तो ही आपको क्रेडिट जो है इनिशियली 51 रुपीज़ का वो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने कहा था कि किसी के ना किसी के लिंक से ही कर देना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्कल दिखा रहा है, और यहाँ पे या क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहा है कि आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा किसी को भी, तो इनिशियली 51 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना। तो साथ ही साथ यहाँ पे ऑफर सेक्शन में देख सकते हो कि डिफरेंट ऑफर्स है, 51 रुपीज़ का भी एक ऑफर है, तो वही मैं आपको शो करने वाला था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट करके दिखा रहा है, वहाँ से आपको बैंक जो है वो लिंक करना पड़ेगा आपका। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट बैंक्स जो है वो दिखा रहा है। तो आपकी जो बैंक है वो पर्टिकुलर, वहाँ उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मेरे बैंक है सारस्वत, तो मैं वहाँ से क्लिक कर देता हूँ और अलाव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा बैंक से कॉन्टैक्ट करने के लिए, और बैंक से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपका सेम जो सिम कार्ड है वो आपके मोबाइल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपका यहाँ पे अकाउंट दिखा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको सेम जो सिम कार्ड है वो रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 डिजिट का UPI पिन जनरेट करना पड़ेगा, और ये UPI पिन है वो आपको फ्यूचर में भी यूज़ होगा, जब भी आप किसी को भी पे करोगे। तो प्रोसेस के पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे 6 डिजिट एंटर करने हैं आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंटर करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP आ जाएगा, आपके मोबाइल का जो भी OTP आ जाएगा, और आपको यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन जो मैंने अभी कहा था वो एंटर करना पड़ेगा। तो मैं मेरा वाला कोई भी एक पिन एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको और एक बार एंटर करना है, और क्योंकि वेरीफिकेशन के लिए 2 बार एंटर करना पड़ता है। तो अभी मेरा सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, मैं एक बार आपको सेटिंग्स में भी जाके दिखा देता हूँ कि लिंक हुआ है क्या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट करके, तो यहाँ पे सारस्वत बैंक करके दिखा रहा है, और मेरा अकाउंट प्रॉपरली अभी यहाँ पे लिंक हो चुका है तेज एप्लीकेशन से। तो एक बार लिंक होने के बाद आपको अपने दोस्तों को जो है वो सेंड कर सकते हो। तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो अपने दोस्त कॉन्टैक्ट दिखाएंगे, कौन से आपके दोस्त तेज पे है, तो वहाँ से आप अपने दोस्त को ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है मेरा अकाउंट, तो यहाँ पे मुझे 1 रुपये सेंड करना है, तो मैं जस्ट 1 रुपये सेंड कर दूंगा। 1 रुपये सेंड करने के बाद आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको 51 रुपीज़ का बेनिफिट जो है जो मिल जाएगा। तो आप क्या करना, न्यू सेक्शन में जाके आपके किसी भी एक दोस्त को 1 रुपीज़ सेंड कर देना। आप मुझे मत करना,
आप किसी को भी अपने दोस्त को सेंड कर सकते हो और उससे रिटर्न ले सकते हो। तो उससे अच्छा, मुझे सेंड करने से अच्छा आप अपने दोस्त को 1 रुपये सेंड कर दे दो, तो आपको 51 रुपीज़ का इनिशियल क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी 1 रुपये मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है सक्सेसफुली और कैशबैक 51 रुपीज़ मेरे ऐड हो चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 51 रुपीज़ एडेड करके, और ये भी यहाँ पे मुझे मैसेज भी आया है कि 51 रुपीज़ मेरे वॉलेट में अभी ऐड हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देखिए कि मेरा पहले जो बैलेंस था वो 0 दिखा रहा था, बट अभी 51 रुपीज़ मेरे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं जो रेफर के, जैसे मैंने बोला था कि मेरे लिंक से डाउनलोड करना आपके वॉलेट में 51 रुपीज़ जो है वो आ जाएंगे। तो दिखाया मैंने वैसे 51 रुपीज़ अभी मेरे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स है, ऑफर सेक्शन में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने सारे ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे और एक ऑफर है 150 रुपीज़ का, मतलब आपको 150 रुपीज़ अपने दोस्त को सेंड करना है, तो वो उसके लिए हर एक 150 रुपीज़ के लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, मतलब वीकली 5 स्क्रैच कार्ड कमा सकते हो। तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा देता हूँ मेरे पास स्क्रैच कार्ड जो है स्क्रैच करके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्क्रैच कार्ड कमा लूंगा, तो ये मैंने यहाँ पे 5 स्क्रैच कार्ड जो है वो अर्न कर लिए हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हम लोगों ने 1 रुपीज़ सेंड किया मैंने वीडियो में दिखाया, वैसे आपको 150 रुपीज़ यहाँ पे सेंड करना है अपने किसी भी दोस्त को, डिफरेंट 5 दोस्तों को सेंड करना है। आपको ये 5 स्क्रैच कार्ड जो है वो इजीली मिल जाएंगे। तो अभी मैं एक एक स्क्रैच कार्ड जो है वो स्क्रैच करके देखता हूँ कि उसमें से कुछ मिलता है या नहीं। तो जस्ट आपको हर वीक ट्राई करना है, मंडे टू मंडे ये ऑफर रहती है, आप किसी भी अपने 5 दोस्तों को सेंड कर सकते हो पैसा और स्क्रैच कार्ड कमा सकते हो। तो ट्राई करते रहना है किसी ना किसी स्क्रैच कार्ड में, जो आपको इजीली कभी ना कभी बड़ी अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ जो थे, मतलब मुझे भी अच्छी खासी अमाउंट मिली है 800 रुपये 900 रुपये, तो उसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हो और वो जो ट्रिक है उसका बेनिफिट ले सकते हो। और तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मैंने तेज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और तेज एप्लीकेशन डाउनलोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप तेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इनिशियली 51 रुपीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।